किसानों ने किया आमरण अनशन शुरू। जी हाँ, किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले शिव कुमार कक्का जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड किसान यूनियन एवं किसान मजदूर महासंगठन और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने अब जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक किसान लोग आमरण अनशन पर 24 घंटे के लिए बैठे रहेंगे। आज आमरण अनशन पर बैठे किसान देवी दीन राजपूत जिला महोबा बुंदेलखंड किसान यूनियन, राम निवास शर्मा जिला मुरैना किसान सभा, दिनेश कुमार निरंजन बुंदेलखंड किसान यूनियन राष्ट्रीय संगठन मंत्री, युवा मोर्चा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश श्री कृष्ण बघेल ग्वालियर, अखिल भारतीय किसान सभा जेके पटेल गुजरात साहब सिंह ग्वालियर मध्य प्रदेश, रवि दत्त सिंह रीवा महंगा हिंदू सिंधु हनुमानगढ़, चौधरी केपी सिंह पलवल नंद राम गुर्जर खरगोन मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ऋषि पाल चौहान अटोहा, भारतीय किसान यूनियन गंगा लाल सौरभ गौडोता, भारतीय किसान यूनियन पलवल हरियाणा आदि किसान आज पलवल बॉर्डर NH-19 पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शिव कुमार कक्का जी किसान नेता एवं बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार वर्मा शर्मा ने कहा कि कल हमारे जो किसान शहीद हो गए थे उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, मांगे पूरी होने पर ही आंदोलन खत्म होगा। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार निरंजन है, बुंदेलखंड किसान यूनियन से राष्ट्रीय संगठन मंत्री, युवा मोर्चा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। ये जो आज भूख हड़ताल की आप लोगों ने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो हम अभी समय NH-19 पलवल हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा भी हजारों किसान लेकर यहाँ पर लगातार 15-20 दिनों से डटे हुए हैं। तो आज जो हम लोगों ने भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम रखा, कल हमारे यहाँ NH-19 पर कई किसान हमारे नेता यहाँ अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। ये गूंगी बहरी सरकार जो हमारे किसानों ऐसे तीन काले कानून का विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रही है, इसी का विरोध करते हुए आज हम सभी किसान भाई यहाँ पर भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगभग 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने यह निर्णय किया है कि ये जब तक आंदोलन अब जाएगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। लगभग 24 घंटे भूख हड़ताल पर बदल बदल कर बैठेंगे और अगर इसमें हमारे लोगों किसान लोगों की जो भी क्षति होती है उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।